ओके वेलकम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 का 2012 का न्यूमेरिकल जरा देखें गौर से। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि वॉल्यूम दिया हुआ है किसी गैस का 1.40 डीएम क्यूब वाज कलेक्टेड एट टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर दिया गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ प्रेशर ऑफ 900 टॉर, और प्रेशर दिया गया 900 टॉर, वाज फाउंड टू हैव अ मास, और इसका मास दिया गया 2.273 ग्राम। कह रहा है मॉलिक्यूलर मास निकाले इस गैस का। सबसे पहले हमने काम क्या किया, जो कुछ हमें गिवन थे, चार हमारे पास गिवन डेटा थे, हमने टेम्परेचर पुट किया 27 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके अंदर प्लस कर दिया 273। जैसे हमने 273 पुट किया, हमारे पास 300 केल्विन आ गया आंसर। इसी तरह प्रेशर 900 टॉर था, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एटीएम में डिवाइडेड बाय 760 करके। मास हमें दिया गया 2.273 ग्राम, ये हमारे पास मास दे दिया, और इसी तरीके से वॉल्यूम दिया हुआ 1.40 डीएम क्यूब। हमने यहाँ पे आर को डिस्कस नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि आर कांस्टेंट है, डेटा में लिख लें तो अच्छी बात है, बल्कि लिख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। आर की वैल्यू होती है 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल इनटू केल्विन। इस वैल्यू को हमने रख लिया एज अ कांस्टेंट वैल्यू, रिक्वायर्ड हमें मॉलिक्यूलर मास है। सॉल्यूशन में हम गए, अब सॉल्यूशन के स्टेप जरा गौर से देखें। हमने सबसे पहले अप्लाई किया पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, उसके बाद उसको एक्सपेंड कर दिया नंबर ऑफ मोल्स को मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में। हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए था तो मॉलिक्यूलर मास इधर चला गया, पीवी हमारे पास डिवाइड में आ गया। अब क्या हुआ स्टूडेंट, इसके बाद हमने मास की वैल्यू पुट की 2.273, आर की वैल्यू पुट की 0.0821, टेम्परेचर पुट किया 300 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर 1.18 एटीएम और वॉल्यूम 1.40 डीएम क्यूब वॉल्यूम पुट किया। जब हमने सबको पुट किया तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया 34। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन एंड हो गया। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।